साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, अररिया में लगातार हत्याएं हो रही हैं और इस बीच पुलिस प्रशासन अवैध वसूली में लगी रहती है, जो कि हत्या का एक मुख्य कारण हो सकता है, क्योंकि इनका जो ऊर्जा है वो ऊर्जा अपराध को रोकने में बिल्कुल ही नहीं रख पाता है। इस बीच अररिया के जो नेता हैं, अररिया जिला के जो नेता हैं, जितने MLA हैं, MP हैं, इनका ये बयान होता है कि ये सरकार ऐसी है, वो सरकार वैसी है, और हर कोई कहते हैं कि जिले में अफसरशाही बहुत ज़्यादा है। मेरा सवाल ये है, सरकार क्या चाहती है? क्या हमारी जान की कोई कीमत है या नहीं है? पत्रकार हो या पुलिस वाले हों, सबकी हत्याएं हो रही हैं। अभी जो विमल यादव जी की जो हत्या हुई है, उन्होंने अपने हत्या का आशंका पहले ही जाहिर किया था, इसलिए उन्होंने एक के रिवॉल्वर के लिए, बंदूक के लिए, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, जो 3 साल से लगभग लंबित रहा, उन्हें आजकल कहा गया। इससे पहले उनके भाई सरपंच जो थे, उनकी हत्या हुई थी, उन हत्या का एकमात्र गवाह यही था, जिसको भी आज मौत की घाट उतार दिया गया है। ये जो हत्या हुई है, इसमें न केवल प्रशासन की लापरवाही है, बल्कि जो उनके तरफ से काम में कोताही किया जाता है, इसका प्रदर्शन भी है। अगर उन्हें वक्त में लाइसेंस मिल चुका होता तो शायद उनके साथ ये घटना नहीं होती। अगर उनके भाई के हत्यारे को सजा मिल चुका होता तो ऐसी घटना नहीं होती। आप देखेंगे, बिहार में सरकार RJD प्लस JDU की होती है या JDU प्लस भाजपा की होती है, हमेशा हत्या होता रहा है। और इस बीच जोर तोर की राजनीति में सारे नेता बिजी रहते हैं और कमीशन खोरी की कैलकुलेशन बिजी रहती है। उन्हें ये मालूम होता है कि हमें कमीशन का कैलकुलेशन करना है, लेकिन हमें हत्या, बलात्कार और जैसे अपराधों, नशाखोरी पे लगाम नहीं लगाना है। तो इसीलिए हम खुलकर ये कहना चाहते हैं कि आज पत्रकार बंधु, युवा साथियों और बुजुर्ग को अपना मशवरा के साथ एक साथ आना चाहिए और इस हत्या पे कैसे लगाम हो लगे, इस पे विचार कर एक निर्णायक कदम उठाना चाहिए। अन्यथा बेलगाम ऑफिसर और कमीशनखोर नेता ऐसे ही करते रहेंगे और हमारे यहाँ हत्या और बहुत सारे जनहित अपराध होता रहेगा।